उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था राम भरोसे। देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले फौजी की जमीन पर पहले तो कब्जा और उसके बाद फौजी को दबंगों ने हमला बोलकर तोड़े हाथ। योगी राज में भी दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दबंग आए दिन किसी को भी अपना शिकार बना लेते हैं, जिसमें ना तो पुलिस का दबंगों के मन में डर है और ना ही कोई खौफ। पुलिस और सरकार से बेखौफ होकर दबंग खुलेआम सरकार और पुलिस को मारपीट कर खुली चुनौती दे रहे हैं। हिंदुस्तान की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले फौजी अपनी जान पर खेलकर सरहद पर ड्यूटी करता है और हमारी तुम्हारी सुरक्षा करता है। जब जवान ड्यूटी कर छुट्टी लेकर घर वापस आता है तो दबंग आरोपी आर्मी में तैनात फौजी पर लाठी डंडों व धारदार हथियार से हमला कर मार पिटाई कर जान से मारने की परिवार सहित धमकी देते हैं और फौजी जवान की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, जिसमें फौजी सरकार और मुरादाबाद प्रशासन से मदद की गुहार के लिए दर दर भटक रहा है। जो फौजी बॉर्डर पर देश के लिए जान जोखिम में डालकर हमारी आपकी रक्षा करता है, वही अब उसकी जान को गांव के ही दबंगों से खतरा बना हुआ है, जिसमें सीआरपीएफ जवान की कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है, जिसके चलते अब पीड़ित सीआरपीएफ जवान ने सुनवाई न होने के चलते पूरे परिवार के साथ सुसाइड करने की बात कही है। पीड़ित सीआरपीएफ में तैनात जवान ने बताया कि मैं मुरादाबाद एसएसपी प्रभाकर चौधरी से दबंगों के खिलाफ लिखित शिकायती पत्र देकर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजने की गुहार लगाई थी, जिसमें ना तो थाना अध्यक्ष ने संज्ञान लिया और न ही मुरादाबाद एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने। अब मैं मानसिक रूप से परेशान होकर पीड़ित फौजी ने राष्ट्रपति, नई दिल्ली, प्रधानमंत्री भारत सरकार को और गृह मंत्री भारत सरकार व रक्षा मंत्री भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पोर्टल पर भी शिकायत की है, जिसमें मैंने सभी को मेल और शिकायत पत्र देकर मदद की गुहार लगाई है और कहा है कि अगर यहां से भी मुझे न्याय नहीं मिला तो पूरे परिवार के साथ सामूहिक रूप से आत्महत्या कर लूंगा और जिसकी सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। सर, मेरा नाम गिरिराज सिंह है। सर, कौन से गांव के निवासी? सर, मैं ग्राम भूजपुर आशा का रहने वाला हूँ। सर, कौन सी सरकारी जॉब पर होगा? मैं सर सीआरपीएफ में फौजी हूँ। सर, आप पर हमला किया गया है, दबंगों ने मारा है, क्या पूरा मामला है बताइए। मामला ये है सर, गांव के जो हमारे जीतमल सिंह के पुत्रगण हैं और जो है कुछ एक क्या नाम है इसका, सचिन पुत्र सजा याप्ता घूम रहे हैं, इसके भलुआ पुत्र ये सब और उसकी माँ बहन है, सब ने हमें मतलब हमने खेत में और जीतमल सिंह ने हमारे खेत पे थोड़ा एक भी कब्जा कर रखा है सर। उसके बाद सर मेरी पहले 24/3/2020 को मेरी माँ पे हमला किया सर, मेरे बड़े भाई को मारा सर। सर जब मैं छुट्टी आया तो मेरे जीतमल के आदेश के अनुसार उसके लड़कों ने, उसकी लुगाई ने सर, उसकी लुगाई बोले सर 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 उसकी औरत ने, उसकी माँ ने हमारे पर हमला किया सर। कम से कम सर 25 लोग थे सर। सर छोटे पूरे अंदरूनी चोटे बहुत ज़्यादा हैं सर, और उसके बाद पूरा हाथ में डैमेज हो गया सर। और सर मैं जो है सीआरपीएफ में जॉब करता हूँ सर, मुझे अब जल्दी ही सर 28 तारीख को वापस जाना है सर। सर मुरादाबाद प्रशासन के से यही डिमांड करूँगा सर कि जो है मेरी बातों को ऊपर तक पहुँचाएँ, अगर आपके बस की बात नहीं है तो, आप इनसे डरे हुए हैं तो सर थाना प्रभारी से नवाब सिंह से मैं बोलना चाहता हूँ, नवाब सिंह आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे, आपकी औकात इस लायक नहीं है। तो नवाब सिंह को मैं कितनी बार फोन कर चुका हूँ, उस समय जो लॉकडाउन चल रहा था तो 24/3 को मेरा छोटा भाई शिव सिंह यादव एक शिकायत लेकर उनके पास गया, मेरी मम्मी गई, मेरे बड़े भैया गए, तब भी उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, यहाँ तक ये सर कि उनकी कोई बात सुनी नहीं गई बिल्कुल सर। लिखित रूप लिखित पोर्टल योगी पोर्टल पर आपके भारत सरकार को, गृह मंत्रालय को, गृह मंत्रालय भारत सरकार को, माननीय राष्ट्रपति को, माननीय जो है आपके जो है गोपनीय विभाग हमारे भारत सरकार को और योगी जी को, सबके पोर्टल पर मैंने सेंड कर रखा है सर। लिखित रूप से आपने मुरादाबाद में कहाँ कहाँ किए? लिखित रूप में DM साहब को दिया हूँ मैं, उनके पोर्टल उनके जो है मेल पर भी सेंड कर रखा हूँ, उनको रजिस्टर पोस्ट भी कर रखा हूँ। उसके बाद जो है SSO साहब को उनके घर जाके सर सुबह 6 बजे 16 तारीख को मैं उनके घर में भी देखे आया हूँ, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही सर। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही सर बिल्कुल, क्योंकि इसमें कुछ लोग बहुत सारे ऐसे दबंग मिले हुए हैं सर कि जो है उनका जो है उसका लड़का एक जितेंद्र है वो जो है इस प्रकार का है सर, वो ला कर रहा है सर, वकालत का स्टूडेंट है, वो सबको ये सोच रहा है पूरे गांव को वो कर देगा और बहुत ही बुरे तरीके से पूरे गांव को, गांव के छोटे छोटे आदमी, गरीब आदमी यहां से भाग रहे हैं सर। अब
13 तारीख में आपने एप्लीकेशन दी थी, फिर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं की थी सर, किस तरीके की मांग करना चाहेंगे फिर सर? हम एक जो है रिटायर्ड तो नहीं सर, मौजूदा हैं सर, मेरा परिवार यहाँ पर रहता है, तो मैं अपने परिवार की आत्मरक्षा के लिए कुछ चाहता हूँ, कुछ ना कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं होगी तो मैंने राष्ट्रपति महोदय को अपने फेसबुक माध्यम से बता दिया है कि मैं पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करूँगा। अच्छा, अगर आप आत्महत्या करने की बात कह रहे हैं, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, तो जो पुलिस कर्मियों को आपने लिखित रूप में थाने में तहरीर दी थी, अभी तक कोई शिकायत या कोई भी किसी तरीके? कोई नहीं सर, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई करने के तैयार नहीं सर। नवाब सिंह को कई बार मैं उसके उनके नंबर उनका नंबर जो सरकारी नंबर है उसमें कॉल करता हूँ। उसके बाद जो पहले इससे पहले अमित पाठक साहब यहाँ पे वो SSP साहब थे, उनको पहले बताया था। अमित पाठक साहब ने मुझे एक ही आश्वासन दिया था, बोले यार आप नौकरी बाहर कर रहे हो, मैं भी बाहर नौकरी कर रहा हूँ, बोले आप देख रहे हो देश के हालात चल रहे हैं। तो सर मैं उसी उस विषय में शांत रह गया सर, लेकिन जब जैसे मैं घर आया सर तो मेरे पे ही आक्रमण कर दिया सर। आपके परिवार में किस किस को मारा था उन चारों लोगों ने? मेरी माँ को, पहले मेरी माँ को मारा, मेरे बड़े भाई को मारा, और वो सजा याफ्ता है सर, जमानत पे बाहर घूम रहे हैं सर। अभी मारने की धमकी दे? अभी सर मेरे घर के आसपास घूम रहे हैं सर यहाँ पे, और जो है हो सकता है कि अगर मेरे परिवार को अगर रक्षा के लिए कोई दिया नहीं जाएगा ना, तो सब ऐसे लग रहा है कि वो गाँव ही छोड़ना पड़ जाएगा सर। वहाँ सर कोई पुलिसकर्मी नहीं आया सर, क्योंकि कोरोना के चक्कर में सर कोई हमसे हमारे परिवार से बात करने को तैयार नहीं हो रहा सर। उल्टा देश की सुरक्षा के फौजी सर आप पे हमला किया गया है, ये बड़ी बात है, प्रशासन आपको नहीं सुन रहा है, तो क्या प्रशासन की लापरवाही कह सकते हैं सर? इसको लापरवाही हम पूरी बोलेंगे सर, क्योंकि ये ऐसे ऐसे लोग हो गए सर, अब तो दबंगों हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है सर इस देश में मैं जाति से यादव हूँ, और वो यादव ही हो किसी और जाति से उससे संपर्क में आ रखे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हमारी तो सुनी नहीं जाएगी, और वो भी वो फोर्स का हूँ। तो लेकिन सर मैं आत्महत्या करने से पहले सबसे पहले जो आत्मरक्षा में अपने हथियार उठा सकता हूँ, ऐसा ना हो मुझे आत्मरक्षा में हथियार उठाना पड़ जाए। मेरे बड़े भाई बोले भाई सबको ख़त्म कर देंगे हम, लेकिन फिर भी उनको बहुत शांत करें, नहीं हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, गिरफ्तारी होनी चाहिए इनको, एक बार जेल का मजा होना चाहिए सर। सजा याफ्ता है यहाँ पर घूम रहे हैं, कभी चोरी केस में कहीं ऐसे, उसके बाद पूरे गांव में सुनने में मुझे मिला है, और उसके बाद कोर्ट से भी उनकी मैंने जानकारी निकाली है, सब जो है सजा याफ्ता है।